नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ अपना इयररिंग और ज्वेलरी कलेक्शन। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं अपनी ज्वेलरी और अपने इयररिंग्स दिखाऊं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी पिछले साल तो लॉकडाउन था तो मैंने कुछ नई ज्वेलरी नहीं खरीदी लॉकडाउन में। हाँ, इयररिंग्स जरूर खरीदे हैं क्योंकि मुझे इयररिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जितनी भी लेडीज से होती हैं, जितनी भी गर्ल्स होती हैं, सभी को इयररिंग्स और ज्वेलरी का तो बहुत ही ज्यादा शौक होता है। तो मुझे भी शौक है, लेकिन जहां तक मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, प्राइस में वहीं तक ही ले पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे हजार की ज्वेलरी पसंद आ रही है, हजार की इयररिंग है तो मैं वो ले लूँ। मैं अपना बजट भी देख के चलती हूँ। तो मैं फिर आज दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास किस तरह के इयररिंग्स हैं। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको अपने फर्स्ट वाले इयररिंग्स दिखाती हूँ जो मेरे फेवरेट हैं, बिल्कुल पार्टी वेयर, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी इनकी शाइन है, और आप बिलीव नहीं करोगे, इन वाले इयररिंग्स को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक 3री साल चल रही है। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा इनका, बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर आपने साड़ी गाउन कुछ पहना है तो अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है, मैं थोड़ी लाइट करती हूँ ब्राइटनेस। ये देखिए कुछ इस तरह से इयररिंग्स हैं, तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं गोल्ड लुक में। इनके गोल्ड इसके स्टोन हैं और गोल्ड ही है इसमें सारा वर्क इसका। ये वाले इयररिंग्स बहुत प्रिटी लगते हैं मुझे। तो सेकंड वाले इयररिंग्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये झुमकी वाले डिजाइन है इनका। तो फ्रेंड्स, सेकंड वाले इयररिंग्स मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाले इयररिंग है, ये कुछ गोल्ड लुक में है, और इन वाले इयररिंग्स को भी 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अभी नवंबर में लिए थे मैंने, जब मेरी भतीजी की शादी थी तब लिए थे मैंने। तो इनकी जो नीचे की जो ये शेप है ना, ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे इस तरह की। तो ये बड़े प्यारे लगते हैं, जब मैं डालती हूँ इन्हें, कैरी करती हूँ, आने जाने में ही करती हूँ, घर पे नहीं कैरी करती इन्हें। ये मेरे सेकंड वाले इयररिंग है। तो फ्रेंड्स, तीसरे नंबर वाले मेरे इयररिंग्स हैं ये वाले, मल्टी कलर है। तो ये वाले इयररिंग्स हैं, ये देखिए, तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये भी मल्टी कलर में, सूट साड़ी सब पे चल जाते हैं ये वाले इयररिंग्स। कमेंट में जरूर बताना आपको कैसे लग रहे हैं मेरे इयररिंग्स। थर्ड वाले मैं दिखाती हूँ आपको, ये जिनकी छोटी छोटी लटकन है, ये बड़ी प्यारी लगती है लड़ियाँ। ये मैंने पिछले साल मेरी जो भांजी की शादी थी तब मैंने लिए थे, ये भी मैंने 100 रुपीज के लिए थे सेक्टर 18 की मार्केट से। पर अगर आप इन्हीं वाले इयररिंग्स को कहीं बाहर दूसरी बड़ी मार्केट में पता करोगे तो आई थिंक 200-250 से कम नहीं मिलेंगे, ऊपर ही रेट के मिल सकते हैं ये। तो ये वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं इयररिंग्स। थर्ड नंबर पर मैं दिखाती हूँ आपको मेरी ये वाली झुमकी। तो ये ली है मैंने अभी रक्षाबंधन पे, मैंने दिखाई थी आपको ये। मैंने व्हाइट कलर में इसलिए ली है क्योंकि गोल्डन में और बाकी कलर्स में तो रहते ही हैं, पर व्हाइट सब पे चल जाता है। एक ब्लैक और व्हाइट ही ऐसा होता है जो सब पे चलता है। तो आपने ये देख रखी मेरी पहले भी, तो झुमकी तो सब पे चलती है और आजकल फैशन में भी है झुमकी। ये मैंने 100 रुपीज की ली थी सेक्टर 18 की मार्केट से। अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाले इयररिंग्स मेरे, बड़े छोटे छोटे से हैं। ये दिए थे मुझे मेरे हस्बैंड ने, प्रेम के पापा ने, मेरे बर्थडे पे। ये जब मेरा पिछले साल जो बर्थडे था मेरा, अभी जो गया है मेरा बर्थडे, इससे पिछले साल वाले बर्थडे पे दिए थे। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, इन पे कुछ मोर का डिजाइन बन रहा है देखिए इस तरह से। तो इन्हें तो मैं डेली में भी कैरी कर लेती हूँ क्योंकि ये हल्के हैं, लाइट वेट हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखो तो इनका डिजाइन बड़ा प्यारा लगता है मुझे, छोटे से हैं ये। इनके प्राइस मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने प्रेम के पापा से काफी पूछा ही कितने के आए थे, पर उन्होंने मुझे नहीं बताया, तो इसलिए मुझे ये इनके प्राइस नहीं पता। पर ये जैसे भी है मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा संभाल के रखूंगी इन्हें। तो वैसे मैं अपनी सभी ज्वेलरी को संभाल के रखती हूँ, पर गिफ्ट में मिली हुई चीज को तो रखना ही चाहिए संभाल के। अब मैं ये वाले इयररिंग्स दिखाती हूँ आपको, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये वाले देखिए, इसमें भी गोल्ड का ही काम है, पर आप इन्हें डेली में भी कैरी कर सकते हो इस तरह से। बड़े प्यारे लगते हैं, छोटे हैं, ज्यादा बड़ा साइज भी नहीं है और इतने भी छोटे नहीं है कि बिल्कुल नजर ही ना आए। तो ये बड़े प्यारे लगते हैं भी मुझे, प्यारे तो मतलब मुझे सारे लगते हैं जितने भी इयररिंग्स हैं। पर ये तो आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको मेरे इयररिंग्स, मेरी ज्वेलरी कलेक्शन कैसा लगा। इसमें पर गोल्ड के स्टोन है,
तो मैंने आपको बताया कि अधिकतर मेरे जितने भी ज्वेलरी वगैरह गोल्ड में ही हैं, गोल्ड के स्टोन में, तो इसीलिए मैंने व्हाइट वाली झुमकी ली थी रक्षाबंधन पे। थर्ड नंबर पे, थर्ड नहीं, मैं अब दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट वाले मेरे ये वाले इयररिंग्स हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारे हैं। ये थोड़े बड़े साइज में हैं, पर मैं बताऊँ आपको मैंने अभी तक पहने नहीं है, ये अभी न्यू ही लिए हैं, मतलब इन्हें 1 वीक हुआ है आई थिंक, पर मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे ये। अगर मैं आपको इनके प्राइस बताऊंगी आप बिलीव नहीं करोगे। ये मैंने 50 रुपीज के लिए हैं फ्रेंड्स, यहीं पर ही शॉप में से, यहाँ पर पास में मैं शॉप पर गई थी तो मैंने वहां से लिए हैं ये 50 रुपीज के। तो कमेंट में जरूर बताना कैसे लगे, 50 रुपीज के हैं भी कि नहीं। आई थिंक अगर आप मार्केट में बाहर जाओगे लेने तो ये आपको 200 से ऊपर ऊपर के ही मिलेंगे। देखो ये कितने प्यारे लगेंगे अगर मैंने पहनूंगी, इन्हें पहन के बनाऊंगी मैं वीडियो वगैरह, अभी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये वाले मेरी इयररिंग्स, ये रे। अब लास्ट वाले मेरी इयररिंग्स ये वाले हैं, ये सिल्वर कलर में भी फ्रेंड्स, ये देखिए सिल्वर कलर है इनका, सिंपल सोबर, डेली में पहन सकते हो आप इन्हें। ये देखिए कुछ इस तरह के हैं, ये मोर वाला डिजाइन है इनका। तो अधिकतर जो मेरे पास इयररिंग्स हैं वो मोर के डिजाइन में ही है, उनके डिजाइन जितने भी हैं। तो ये मेरे इयररिंग्स कलेक्शन था। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने सेट, जो मेरे गले के नेकलेस है उनका दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरे पास, ये पिंक कलर में स्टोन वाला, स्टोन वर्क का है। ये देखिए इसके साथ के इयररिंग्स भी हैं, ये रे ये इसके इयररिंग्स हैं, और इसके साथ ये एक टीका भी है। तो इस वाले सेट को मैंने लिया था आज से 5 साल पहले, तो आप बिल्कुल भी इसकी शाइन देख के बता नहीं सकते हो कि ये 5 साल पुराना है, क्योंकि मैंने बहुत संभाल के रख रखे हैं। मैं इन्हें पहनती हूँ कभी भी, जब कभी कोई फंक्शन आता है। वैसे तो मैं ज्यादातर हैवी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, पर ये मैंने ले रखा है तो मैंने इसे संभाल के भी रख रखा है। ऐसा ही है जैसा था, ये बिल्कुल भी इसकी चमक कम नहीं हुई है। तो ये 5-6 साल पुराना है, अभी से 6 साल हो जाएंगे मार्च में, मैंने शादी में लिया था भतीजे की। अरे ये वाला नेकलेस है, ये बड़ा ही प्यारा डिजाइन है इसका, कुछ राजस्थानी जैसे महारानी ब्राइडल वगैरह पहनती है ना, इस तरह का लुक है इसका। थोड़ी शाइन पड़ रही है अभी, तो इसमें कुंदन, और मैं पहन के दिखाऊं, पहन के दिखाऊं इस वाले को। तो मैं आपको फ्रेंड्स इस तरह की ज्वेलरी अधिकतर साड़ी पे ही अच्छी लगती है, साड़ी लहंगा गाउन पे भी ज्यादा नहीं अच्छी लगती इतनी हैवी ज्वेलरी। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ये वाला डिजाइन, देखिए कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा, तो बहुत ही प्यारा है। इस वाले नेकलेस को फ्रेंड 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और ये देखिए अभी तक ऐसा का ऐसा ही है जैसा था ये। तो ये इसके इयररिंग्स हैं, ये रिंग, तो इसे भी पहनूंगी मैं क्योंकि मैंने संभाल के रख रखा है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। तो इसे मैंने आई थिंक 350 में लिया था, 350 कुछ में लिया था ये वाला नेकलेस। मेरी भांजी की शादी, भतीजी की शादी थी, सॉरी मेरी जेठानी की लड़की की शादी में लिया था मैंने ये। तो ये ना कुछ इस तरह का लुक है, पहले टीवी पे चैनल आता था होम शो पेटी, उस पर ऑनलाइन सामान मिलते थे, तो अब तो नहीं है आई थिंक, मुझे कुछ पता नहीं है ठीक से। तो होम शो पेटी पे इस तरह के नेकलेस बहुत ज़्यादा आते थे, तो मैं मार्केट में गई, मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो सेम वैसा ही है जैसे होम शो पेटी पे मिलते हैं। तो फिर मैं इसे तुरंत ले आई और ये अभी तक मेरे पास ऐसा का ऐसा ही है। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वाला नेकलेस, मैंने पहन भी लिया, मैं इसे उतार देती हूँ। अब मैं आपको ये वाला लास्ट वाला दिखाती हूँ अपना, ये भी गोल्ड के स्टोन में ही है, ये देखिए इसके साथ के भी इयररिंग्स हैं कान के, इसके छोटे छोटे कान के हैं। ये तो मतलब इतना सिंपल है कि आप इसे सूट वगैरह पे भी डाल सकते हो, सूट पे, साड़ी पे, लहंगे पे, किसी पे भी चल सकता है ये। और इसके प्राइस देख बताऊँ अगर मैं आपको, ये मैंने 100 रुपीज का लिया था 3 साल पहले, तो ये देखिए अभी भी ऐसा का ऐसा ही है न्यू, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी हाल फिलहाल में,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब भी नहीं, मेरे हस्बैंड की स्कूल भी नहीं हूँ, सब ज्वेलरी मेरी पहले की ही है और फिर बार बार ज्वेलरी खरीद के कोई फायदा नहीं। बस हाँ, मैं इयररिंग्स जरूर खरीदती रहती हूँ क्योंकि मुझे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं लेना। अब मैं आपको लास्ट दिखाती हूँ अपना ये रानी हार। फ्रेंड्स, ये तो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लगता है ये। लहंगे पे पहन लो, साड़ी पे पहन लो, सूट पे डाल लो। मेरे पास एक भी रानी हार नहीं था तो मुझे लेना था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे रानी हार दिलवा दो। जब मेरे भतीजे की शादी थी पिछले साल 2019 में शादी थी उसकी, भतीजे की, तो तब मैंने ये लिया था। तो अभी से 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं नवंबर में। देखिए इसकी काफी ज्यादा शाइन है इसमें और 2 साल पुराना है, फिर भी अगर आप इसे बिल्कुल पास में से देखोगे तो ऐसे लगेगा बिल्कुल न्यू, अभी खरीद के लाए हुए एकदम। बहुत अच्छी चमक है इसके। जो नीचे की स्टोन है ये भी बड़े प्यारे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा देख लिया, मेरी जो ज्वेलरी कलेक्शन थी बस यही ज्वेलरी है मेरे पास। फ्रेंड्स, मैंने अपना ज्वेलरी कलेक्शन, इयररिंग कलेक्शन तो सब कुछ दिखा दिया आपको और आई होप आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो बस अब मैं मिलूंगी आपको जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छी सी वीडियो लेकर आऊंगी। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि गर्मी जा रही है और सर्दी बस आने वाली है कुछ दिनों में। अगले महीने से नवरात्रि भी स्टार्ट है क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। इन दिनों में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बीमारियां आती हैं, मौसम मतलब पुराना जाता है और नया मौसम आता है। तो अभी बाहर के देशों में भी काफी ज्यादा मतलब वायरस बीमारियां आ रही हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, काफी मतलब उनके खाने पीने पर ध्यान दीजिए कि ज्यादा बाहर का कुछ ना खाएं, ऊट पटांग जैसे कि कुछ भी खा लेते हैं बच्चे। तो कोशिश कीजिए बाहर का ना खिला के घर पर ही अच्छा अच्छा बना के खिलाइए। मेरी वीडियो देखिए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। फिर जल्दी मिलूंगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।